बागवानी का एक अपना ही नशा है, और इसमें और ज़्यादा अच्छा तब लगने लगता है जब वो बागवानी आप अपने घर की ही बालकनी, नीचे ग्राउंड फ्लोर या रूफ पर कर रहे हों। लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तब जब आपके पौधे आपके हिसाब से ना चल रहे हों, यानी कि उन पे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स नहीं आ रहे हों, उनकी ग्रोथ आपके हिसाब से ना हो रही हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एंड गार्डनिंग बज़। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने गुलाब पर ढेर सारे गुलाब के फूल कैसे लगा सकते हैं, फूल का साइज़, उसमें लगने वाले पेटल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपका गुलाब बल्कि कैसे बनेगा। इसके अलावा उस पे एक साथ कई फ्लावर्स कैसे लगे, इसकी ओरिजिनल वीडियो और पिक अपडेशन के साथ में मैं आपको आज की ये वीडियो दिखाने वाली हूँ। आपको उसमें ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा अपना रख रखाव का पैटर्न बदलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, ये प्रिमरोज़ गुलाब और ये जो देसी गुलाब, दो तो गुलाब मेरे पास शुरू में थे। ये दोनों गुलाब के पौधे मैंने एक बेचने वाले से लिए थे। ये करीब 1 महीने पुराने पौधे हो चुके हैं, जिनमें मैं एक बार कटिंग कर चुकी हूँ। ये बहुत ही छोटे छोटे प्लांट थे, अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। उस टाइम तो ये बहुत ही छोटे थे, इन पे एक भी कली नहीं थी। इस तरीके से इस पे फ्लावर्स आ रहे थे जब मैंने फ़र्स्ट कटिंग करी थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने गलत पौधा ख़रीद लिया है। फिर मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है इसके रख रखाव में। मैंने अपने पैटर्न को बदलने के बारे में सोचा, क्योंकि अमूमन मैं किसी के घर में भी जब गुलाब लगे देखती हूँ तो बहुत कम ही लोगों के घर के गुलाब देखते ही बनते हैं, यानी कि वो ऐसे अजीब से बिना शेप के हो गए होते हैं, या उनकी पेटल्स छोटी छोटी आती हैं, अदरवाइज़ उनकी जो शेप होती है वो बिगड़ चुकी होती है। फोटोजेनिक फ्लावर्स नहीं आते। फोटोजेनिक यानी कि जो बाहर बिकते हैं, जिन्हें कि हम देखते ही रह जाते हैं उनकी पेटल्स अरेंजमेंट को। इस टाइप के फ्लावर्स अगर आपको अपने गुलाब पर चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने अगले महीने एक कटिंग और करी थी इस गुलाब में। उसके बाद में आप देखिए, इसका साइज़ कुछ इस तरीके का हो गया और इस पे करीब 10-15 कलियाँ लगी हुई हैं। डेली ही 3-4 फ्लावर्स खिल रहे थे, आप इस पिक में देख सकते हैं। मैंने हर स्टेप पे इसका अपडेटेड वीडियो बनाया था, जिसको मैं आज आपको कंबाइंड फॉर्म में दिखा रही हूँ। अभी भी फ्लावर्स मेरे मन मुताबिक नहीं आ रहे थे। पहले से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हैं। अब यहाँ पर मैंने सोचा कुछ अपने रख रखाव में बदलाव करने की। वो रख रखाव क्या था जिसकी वजह से इन फूलों में बदलाव आया? कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं शुरू से ही फॉलो कर रही थी, वो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। मैंने इसकी वॉल साइड बदली। पहले जिस वॉल से ये रखा हुआ था, उस साइड ये वॉल से टकरा रहा था। अगर पौधा किसी साइड से किसी वॉल से टकराता है या किसी दूसरे पौधे से टकराता है, तो वो अपने आप को बेंड कर लेता है, यानी कि वो उस तरफ ग्रो नहीं करता, तो पौधे की शेप बिगड़ जाती है। तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा स्पेशियस जगह पर रखें। मैंने इसकी जगह बदली थी, बीच बीच में मैं इनको शफल करती रहती हूँ। दूसरी चीज़ है, हमें पानी कैसे देना है। पानी हमें बिल्कुल भी ओवर वाटर नहीं देना है। यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आपने सुना होगा कि गुलाब को हम सकुलेंट मिक्स सॉइल में रखते हैं, यानी कि जैसा हम सकुलेंट के लिए सॉइल मिक्स रखते हैं, वैसा ही हमें गुलाब के लिए रखना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने नॉर्मल सॉइल मिक्स ही रखा है, जिसमें कि 60% मेरी सॉइल है, गार्डन सॉइल है, 10% नीम खली है, 10% सेंड है और 20% वर्मी कंपोस्ट, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, और इसके अलावा फर्दर भी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है इन कंपोनेंट्स के अलावा। आप चाहें तो सकुलेंट सॉइल मिक्स रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है नहीं जिस पे आप अपने पैसे ख़राब करें।
तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो किसी भी पौधे में बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर फूल देने और फल देने वाले पौधों में, वो है प्रूनिंग या पिंचिंग, यानी कि हमें बीच बीच में इसकी कटिंग करती रहनी चाहिए, अदरवाइज़ इसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी और बहुत सारे फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि आपको जैसे ही इसके फ्लावर्स कुछ पुराने हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, अपनी पत्तियाँ गिराने लगते हैं फ्लावर्स, तब आप उनको वहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से जैसे ये मैंने कट किए हुए हैं। इनको काटते हुए फ्रेंड्स बड़ा दुख होता है। मैंने जो ये पौधे फूल काटे हैं ना, ये प्रूनिंग के लिए नहीं काटे हैं एक्चुअली। ये मेरे अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करने के लिए मैंने ये फ्लावर्स काटे, और मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना दुख हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी उस पौधे को सुधारने की, और वास्तव में इस पे इतने सारे फ्लावर्स आ रहे थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन बहुत अच्छे लीफ पैटर्न पेटल्स जो उनका अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं था। ये देखिए मैंने कितनी बेरहमी से काटे हैं, और मैं आपको आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मुझे कितना बुरा लग रहा था। एक डर भी लग रहा था कि पता नहीं अब फूल आएंगे भी कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा हो ही ना और मेरे प्लांट्स सारे बेकार हो जाएं। बट डर के आगे जीत है, ये सोच के मैंने फिर इन पर कैंची चला ही दी। देखिए किस तरीके से मैंने इनको कटिंग कर दिया है। आपको ध्यान रखना है, जो आपको कटिंग करनी होती है वो आपको रोज़ के नीचे एटलीस्ट 2 इंच की कटिंग आपको कर देनी है। ये कुछ फूल रह गए हैं, मुझे बिल्कुल एक साथ अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने इनको भी बाद में काट दिया है। उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है सनलाइट का। गुलाब के फूलों पे 24 घंटे में से जितने देर मैक्सिमम धूप रह सकती है आप उनको धूप में रहने दीजिए। इन पे कोई इशू नहीं है कि आपको इन्हें छांव में रखना है कि धूप में, आप इन्हें खुला धूप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे ग्रो करेंगे। अब इसके बाद जो मेरे फ्लावर्स आने शुरू हुए फ्रेंड्स, उनका साइज़ सिग्निफिकेंटली काफ़ी अच्छा आया था। इस स्टेज तक फ्रेंड्स मैं 3 कटिंग्स कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इनफैक्ट 4। फर्स्ट कटिंग से पहले मैंने आपको दिखाया नहीं था, फर्स्ट कटिंग के बाद से ये मेरी 3री कटिंग है, और इसके बाद मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलने लगे। ये देखिए 3-4 दिन में ही कटिंग के बाद कुछ इस तरीके की रेडिश ब्राउन गोल्डन ग्रीन कलर की आपकी लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगी। जहाँ से भी आपने कटिंग करी है वहाँ से एटलीस्ट 2 ब्रांचिंग न्यू निकलेंगी। जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उन सभी के टॉप पर आपकी कलियाँ होंगी, कुछ इस तरीके से। देखिए अब मेरी कली की जो सुंदरता है वो पहले से ज़्यादा है, इसमें जो पेटल्स हैं वो पहले से ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद थी कि अब जो फ्लावर आएगा वो बिल्कुल फोटोजेनिक फ्लावर आएगा, जैसे कि मार्केट में बिकता है, जिसे देखते ही तोड़ने का मन करे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें कि कितनी सारी बडिंग हो रखी है। ये देखिए कितनी सारी बर्ड्स आ रखी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ अधखिली हैं, कुछ अभी खिलने वाली हैं 1-2 दिन में। हर रोज़ ही मेरे यहाँ फूल खिल रहे हैं। मैं पूजा वगैरह के लिए भी फूल अपने ही गार्डन में से यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। ये देखिए कितनी प्यारी कलियाँ आई हुई हैं। अब बिल्कुल मेरा मनमोहक वाला दृश्य हो गया है कि अब मैं बिल्कुल अपने गुलाब पर फिदा थी। इस तरीके से ये देखिए, अब मैं आपको कुछ दिन बाद का अपडेट दिखाती हूँ। डिज़ायर्ड रिज़ल्ट का जो सबसे पहला रिज़ल्ट आया था फ्लावर्स में वो ये फ्लावर था। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको देखते ही मेरा मन जीत लिया इस फूल ने, मतलब मैं बहुत खुश थी। पहली बार मेरे गुलाब पे इतना सुंदर फूल आया था। उसके बाद हर 1-2 दिन के बाद मैंने वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ ऐड करी हैं इसमें। ये देखिए अब अगली कली खिल गई है, पिछली वाली ये फ्लावर बन गया है। इस दिन इस पर सिर्फ यही 2 मेरे को मेन दिख रहे थे। उसके बाद ये देखिए ये थोड़ा पुराना हो गया है फ्लावर, और इसके साथ ही जो कली थी वो अब पूरी खिल गई है। ये मैंने नीचे कुछ पुदीने की ट्विक जो घर पे आती हैं उनको लगा दिया था, ये काफ़ी फैल गई है। अब इसको हम घर में यूज़ कर लेते हैं, अब कई बार यूज़ हो चुका है कटिंग करके। ये देखिए अब बाकी कलियाँ तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से हर रोज़ इस पे फूल आते गए, और हर कली अपने आप में बहुत खूबसूरत थी। शायद मैं उतना क्लियर इस नॉर्मल कैमरे से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ जितना सुंदर ये दिख रहा है।
एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत मोटी मोटी कलियाँ आई हुई हैं। फ्लावर बल्की है काफ़ी और बहुत ही खूबसूरत भी है। आप जैसी मार्केट में कलियाँ बिकती हैं ना, बिल्कुल वैसी ही कलियाँ आ रही हैं, आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो इसका व्यू है वो इस वीडियो से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। वो व्यू जो मैंने आँखों से देखा, ये देखिए, हर एक फूल इतना खूबसूरत था कि मैं बस, आई हैव नो वर्ड्स, जस्ट यू सी योरसेल्फ। आप देखिए, मैं आपको रिव्यू दिखा रही हूँ एक छोटा सा, और लास्ट में मैं बताऊंगी वो चेंजेस जो मैंने किए और जो आपको अपने गुलाब के साथ करने हैं, अगर आप उनको पॉट्स में उगा रहे हैं, कम मिट्टी में उगा रहे हैं, या आपके फूल इस तरीके के नहीं आते हैं जिस तरीके के मेरे आ रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करना है। जो स्पेशली रोज़ की फर्टिलाइज़र्स और ये सब आते हैं वो मैंने यूज़ नहीं करे हैं, सिर्फ कुछ पैटर्न बदला है, बाकी आपके ऊपर है आप क्या पसंद करेंगे। ये देखिए, फ्रेंड्स, अगर आप भी इतने छोटे गमले में लगे हुए गुलाब पर इतने बड़े बड़े गुलाब लगाना चाहते हैं, इतने सुंदर सुंदर पेटल अरेंजमेंट वाले बिल्कुल मार्केट जैसे गुलाब उगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नंबर फर्स्ट करना होगा पानी का ध्यान रखना है। ये देखिए, देसी गुलाब भी इतना सुंदर खिला है कि आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। अमूमन देसी गुलाब कम सुंदर ही खिलते हैं, या फिर मिट्टी में, ज़मीन में लगे हुए होते हैं, माली वगैरह देखभाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत रेयरली अच्छे गुलाब लोगों के घर में देखने को मिलते हैं। जिन लोगों के घर अच्छे गुलाब हैं वो इसको अन्यथा ना लें। मैं जिनके यहाँ नहीं खिल पाते हैं उनकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसकी कटिंग करती रहनी है। कटिंग यानी कि जो भी गुलाब या जो भी कली ऊपर आपकी आ रही है उसके नीचे करीब 2 से 3 इंच की आपको कटिंग कर देनी है, जिससे कि वहाँ से न्यू ब्रांचिंग होने लगेगी। आपको कटिंग के बाद क्या करना है, आपको इतने सुंदर गुलाब पाने के लिए 3 कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था, लेकिन अब मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बता रही हूँ। तो आप 3 कटिंग नहीं करेंगे। आपको क्या करना है कि आप जैसे ही कटिंग करेंगे उसके बाद आप जो भी रेगुलर कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट या गोबर की खाद, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपको उसी खाद को इस पर डाल देना है अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। जैसे कि मैं बायो कंपोस्ट यूज़ कर रही थी, तो मैं इसमें इस साइज़ के गमले में, जब मेरा छोटा था, तो मैंने 2 चम्मच डाल दिए थे। 2 चम्मच मेरा कंपोस्ट मैंने इसमें डाला और इसको पानी दे दिया। उसके बाद मेरी जब कलियां इस पे आ गई, तो फिर मैंने 7 दिन बाद इसको फिर से 2 चम्मच कंपोस्ट दिया, और रेगुलर जैसे मैं पानी इसको दे रही थी मिट्टी सूख जाने के बाद, वैसे मैं देती रही। मैंने सिर्फ 7-7 दिन पे 3 बार इसको 2-2 चम्मच दिया है बायो कंपोस्ट का, तो 6 चम्मच मैंने इसको सिर्फ दिया है, और उसके बाद फिर मैंने इसको फर्दर कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया 1-1.5 महीने तक। उसके बाद ये एज इट इज़ हैं। इन शॉर्ट, अपने पौधे को खुली हवादार जगह पे रखिए, धूप को आने दीजिए, पानी की जब ज़रूरत हो तब दीजिए, और पूरे महीने की खाद को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और कटिंग के बाद उनको 7-7 दिन पर दीजिए। इसके बाद अपने पौधे को फर्टिलाइज़र देना भूल जाइए।
फिर जब आप नेक्स्ट कटिंग करेंगे तब आपको सेम रूटीन फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस तरीके की होम एंड गार्डन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल, इनोवेटिव, क्रिएटिव, ब्यूटीफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी फटाफट से। और अगर आप मेरे ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हिट दी लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गिव योर ब्यूटीफुल एंड लवली कमेंट्स। फ्रेंड, 1 साल के बच्चे के साथ अगर ये मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ होम एंड गार्डनिंग बस पर। मैं बहुत जल्द फिर से मिलूँगी आप सबसे एक सुंदर सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम विद हैप्पी गार्डनिंग।